हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेल्स लर्नर में। दोस्तों आज मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। तो चलिए आज 6 क्वेश्चन हमारे पास है, वो सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक रेडियो को 805 में बेचने पर 15% का लाभ होता है, ठीक है, और 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखिए रेडियो को 805 में ही बेच दिया है, ठीक है, 805 में बेचा है, ये 15% का लाभ कमा कर बेचा है, प्रॉफिट हुआ है 15% का। फिर बोला है 25% लाभ कमाना है, ठीक है, फिर वही एसपी निकालेगा और उसके बाद फिर से ये बेचेगा और 25% का लाभ कमाएगा, ये बोला है। तो हम चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर विजिबल आपको होगा, आपको विजिबल होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले क्या करेगा, ये ऑप्शन को हम 24,000 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो 805 में बेचा है, 805 हमारा क्या है, यहाँ पर एसपी है। कोई भी बेचता है कोई सामान ना तो वो एसपी कहलाता है, ठीक है, एसपी। तो हमको 15% का लाभ पर बेचा है तो हमको सीपी निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीपी निकालेंगे तभी ना फिर से 25% का लाभ कमाएगा, 25% का प्रॉफिट में बेचकर। तो सीपी पहले चाहिए, तो सीपी का फॉर्मूला जो होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट, और एसपी मेरा कितना है 805 है, 100 होगा और ये नीचे 100 होगा और ये पी है, प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो जा रहा है, ठीक है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 805 इंटू 100 और ये 115 हो जा रहा है, ठीक है ना, 115 हो जा रहा है। तो 5 से इसको काटेंगे 23 बार में, 5 को इसको काटेंगे 20 बार में, और 23 से इसको काटेंगे 35 बार में, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 700 रुपया आ जाएगा। ये हमारा सीपी हो जा रहा है 700। आई थिंक विजिबल है ना, हाँ विजिबल है। तो यहाँ पर 700 रुपया मेरा सीपी आ गया, 700 रुपया सीपी आ गया, ठीक है। तो यहाँ के बाद यहाँ सब का जगह थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। उसके बाद पर बोला सीपी हम निकाल लिए, और वही सीपी से कभी भी कोई लाभ कमाया जाता है, सीपी से लाभ कमाया जाता है, तो सीपी को 25% के लाभ पर बेचेगा। तो हम क्या करेंगे, तो बेचेगा तो फिर एसपी निकलेगा, प्रॉफिट कमा रहा है तो एसपी निकालना होगा ना, एसपी, ठीक है। तो एसपी का फॉर्मूला जो होता है एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100, ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं। सीपी कितना आया है, 700 रुपया सीपी आया है, ठीक है, इंटू 100, अब प्रॉफिट कितना है, 25% है, तो 125 यहाँ पर हो जाएगा, 100 प्लस 25, ठीक है, और नीचे 100 है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये काट देंगे तो, ठीक है, फिर 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 875 आ जाएगा, 875। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 875, ठीक है, विजिबल है आपको ना, जी गुड। चलिए आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं फिर, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि संतोष ने एक फ्रिज 30% कम मूल्य पर खरीदा, ठीक है, संतोष ने एक जो मूल्य है उससे 30% कम है, मान लेते हैं इसका 100 मूल्य है, तो 30% कम में ख़रीदा है, तो कहीं ना कहीं 70 में ख़रीदा है, 70 में ख़रीदा ना, हाँ 70 में ख़रीदा, तो ये हो गया संतोष का सीपी हो गया, ठीक है। और फिर से उसी मूल्य पर वो 60% के लाभ पर बेच देता है, 60% के लाभ पर बेचता है, तो हमको क्या करना है ना, तो हमको बेच रहा है ना, तो हमको क्या करना है, एसपी निकालना है। तो बेचना मीन्स क्या होता है, एसपी में प्रॉफिट हमको निकालना है, ठीक है ना, तो एसपी निकालना है, 70 में ख़रीदा है तो मेरा सीपी क्या है, 70 है, और 70, तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरह से निकालते हैं, 100 है ना, तो एसपी में 100 प्लस,
100 प्लस 60, क्योंकि ये एसपी का फार्मूला इससे पहले मैंने बताया, वही फार्मूला आप यूज कीजिएगा, और नीचे 100 तो कितना हो जाएगा, 70 × 160 / 100 हो जाता है। ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो टोटल हो गया 112, टोटल हो गया 112, ठीक है ना, 112 टोटल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए टोटल इसका प्राइस कितना था, 100 था ना प्राइस, ठीक है, और अब बेच रहा है तो 112, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है इसको, 12% का प्रॉफिट हो रहा है प्राइस से, ठीक है, तो 12% का प्रॉफिट, यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए ए ने एक स्कूटर 20% हानि पर बी को बेच दिया, है ना, बी को बेच दिया हानि में, ठीक है ना, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, देखिए 20% के हानि पर बेच रहा है, बी को बेच रहा है, तो ए का 100 है, तो बी को बेचा है 80 में बेचा है, और बी ने सी को बेचा है 26,000 में बेचा है, 26,000 में बेचा है, ठीक है। तो ये जब ये इसको बेचा तो 80 में बेचा, और बी बेचा है 30% का प्रॉफिट में, मीन्स 80 का 130% में बेचा है, 80 का 130%, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो ये 104 में बेचा है, तो 104 और ये बराबर हो गया, क्योंकि 104 में बेचा है यूनिट में, और ये 26,000 रुपया में बेचा है, तो 104 ये हो जाएगा, 104 होगा, 104 को ऐसे लिख सकते हैं 8 और नीचे 100, ठीक है, 13 दूनी ये हो जाएगा, 8 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 13 8 16 8 5 40 और ये 0, तो टोटल हो जाएगा 250 से 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 25,000 रुपया, तो 25,000 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट अब आगे चलते हैं हम, ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए रमन है 20% लाभ लेकर 96,000 रुपया में, 96,000 रुपया में बेच देता है, तो ये हमारा एसपी है और उसको 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर सीपी निकालना पड़ेगा ना, सीपी निकालेंगे तो इसमें बोला है ना कि दलाल, एक बीच में एक दलाल है, उसको 3% का बोला है कमीशन दे रहा है, कमीशन किस में दे रहा है, विक्रय मूल्य पर 3% कमीशन दे रहा है, ठीक है ना। तो उसका लाभ कितना हुआ है, लाभ परसेंट नहीं बोला है हमको, वास्तविक लाभ बोला है, ठीक है। तो देखिए अगर इसको एसपी में बेचा तो एसपी हुआ ना, तो हमको सीपी जरूरी है, क्योंकि सीपी से ही प्रॉफिट निकाला जाता है, तो सीपी हमको निकालना पड़ेगा, सीपी, तो एसपी इनटू 100 / 100 प्लस प्रॉफिट होता है, तो एसपी मेरा 96,000 है एसपी, और इनटू 100 होगा, और 100 कितना है, 100 है, और प्रॉफिट कितना है 25 है, तो एक प्रॉफिट कितना है 120 है, तो 120% हो जाएगा, ठीक है, ये कटेगा, ये कटेगा, 12 × 96 हो जाएगा, तो ये 8,000 और ये 0, तो 80,000 रुपया यहाँ पर हो जाएगा, 80,000 रुपया यहाँ पर उसको सीपी था, है ना, सीपी 80,000 रुपया 96,000 रुपया में बेचा है। तो देखिए दोनों को घटा देंगे, सीपी में एसपी घटा देंगे तो 16,000 रुपया प्रॉफिट आ जा रहा है, बट 16,000 रुपया प्रॉफिट आ जा रहा है, लेकिन दलाल को भी तो 3% दिया है ना यार, इससे दिया है, किससे, विक्रय मूल्य का प्राइस से दिया है, तो विक्रय मूल्य का प्राइस से हम निकालेंगे दलाल के लिए 3%, तो ये 100 हो जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो दलाल को दे रहा है 2,880 रुपया, दलाल को भी दे रहा है, तो देखो इतना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट से 2,880 रुपया दे रहा है दलाल को ना, तो इसको घटा दो, 2,880 रुपया घटा दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 120 13,120 रुपया उसको प्रॉपर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ उसके बाद हम आगे देखते हैं, इज दिस वेरिएबल, हाँ प्रॉपर वेरिएबल है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है जो ये एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, एक्जैक्ट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिला था। देखिए एक स्कूल है, स्कूल में मंडे को 10 kg, ट्यूजडे को 20 kg, वेडनेसडे को 5 kg, थर्सडे को 25 kg, और फ्राइडे को 22 kg, और सैटरडे को
18 केजी का यूज किया जाता है, 18 केजी खर्च होता है खाना बनाने में, अनाज में, ठीक है। तो देखिए एक मंथ में बोला है, तो देखिए मंथ में मंडे 4 बार आता है, ठीक है, सभी चीज़ 4-4 बार आता है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 88, और ये हो जाएगा 72, ठीक है, ये हो जाएगा 72, और एक महीना में पूरा कितना खर्च होता है, 540 खर्च होता है, है ना। और इसमें संडे का निकालना है, संडे भी तो 4 आता है, संडे 6 दिन का हो गया, 6 का 4-4 दिन का हो चुका है, तो ये टोटल हो जा रहा है 400 हो जा रहा है, टोटल 400 हो जा रहा है, ठीक है। और 540 एक महीना में खर्च होता है, 6 दिन का मिला के, चारों दिन छः का मिला के, तो 400, तो कितना बच रहा है, 140 बच रहा है अभी, ठीक है। और संडे का कितना हो जाएगा, संडे भी तो 4 दिन आता है ना, तो 140 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो 35 केजी आ जाएगा आंसर, मीन्स एक संडे को 35 केजी खर्च हो रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, चलिए अभी एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा है, चलिए आगे देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दिखे थे, ठीक है, इस चलते मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। एक मंथ में 500 आदमी जमा हुए, एक मंथ में 500 आदमी जमा हुए, ठीक है, 4 संडे को 20-20 आदमी जमा होते, एक महीना में संडे 4 बार आता है, तो संडे को 20 आदमी जमा होता है, तो चारों संडे में 80 आदमी जमा हो गया, ठीक है। और सैटरडे को 15-15 आदमी जमा होता है, 4 सैटरडे आता है, तो इसमें 60 आदमी जमा हो गया, तो मेरा 140 हो गया, तो 140 में हम इसे घटा देंगे तो 360 मेरा आ जाता है, और बाकी 5 दिन और बचे हैं, सबका अलग अलग रेशियो दिया हुआ है, तो सबका निकालना है कि हर एक दिन कितने कितने आदमी जमा हुए थे चारों दिन मिला के, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, तो रेशियो कितना है, 3 6 6 12, 12 रेशियो है सबका मिला के, तो 12 रेशियो इक्वल टू 360 होगा, क्योंकि 5 दिन का 12 रेशियो मिला के है, और 5 दिन का 360 आदमी है मिला के, ठीक है। तो 12 से ये कट जाएगा, तो x इक्वल टू 30 हो जाएगा, x इक्वल टू 30 हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए 360 आदमी और बचे हुए हैं, 2 दिन संडे और सैटरडे को हटा के, और 5 दिन बचा हुआ है, पाँचों दिन का रेशियो दिया हुआ है, 1:3:4:2 रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, सबका रेशियो दिया है, मंडे का है, ट्यूजडे का है, थर्सडे का है, वेडनेसडे का, थर्सडे और फ्राइडे का, ठीक है, सबका दिया हुआ है, तो x का वैल्यू मेरा x आ गया है, ठीक है। और इस सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक है पहला, तो सोमवार को मंडे को 30 आदमी होंगे, और टू है ट्यूजडे को, तो 60 आदमी होगा, और 3 है वेडनेसडे को, तो 90 आदमी होगा, 4 है थर्सडे को, तो 120 आदमी होगा, और फ्राइडे को 2 है, तो ये 60 आदमी होगा, तो टोटल 30, 60, 90, 120 और 60 जो होगा ऑप्शन में, वही आंसर होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन एज इट इज़ इस टाइप की एग्ज़ाम में देखने को मिला था, ठीक है, और बाकी जितने भी क्वेश्चन है तो उस टाइप के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आया हुआ था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप करके जाइएगा तो एग्ज़ाम में डेफिनेटली आप अच्छा कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही मैथ्स सॉल्व होता है, जीके तो कॉमन आने वाला है, जीके को कोई भी सॉल्व कर लेगा, तो इस चलते इस सब क्वेश्चन को आप अच्छे से बना के जाएं, डेफिनेटली आप एग्जाम में क्वेश्चन कैच कर पाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।